गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब आपको मैंने बताया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मीडिया बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स को मीडिया बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको मेजर करने के लिए बहुत फूटा होता है करंट अपॉन में चार्ज अपॉन टाइम। यानी आई करंट को लिखते हैं आई से, चार्ज को लिखते हैं अपने क्यू से, टाइम लिखते हैं टी से। आई इक्वल होता है क्यू अपॉन टी। यानी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। करंट को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। अब देखो स्टूडेंट क्यू, क्यू पे चार्ज, चार्ज का मतलब क्या होता है? हमने बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन है क्यू का मीन क्या होता है एन टी। क्यू इक्वल टू क्या होता है एन टी। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि अपने पास इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं तो टी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है हमेशा के लिए 1.6 × 10 की पावर क्या होता है −19 कूलम। तो अपने पास 200 में होते हैं करंट निकालने के लिए आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी। कई कई जगह हैं बस तो पिक पे नहीं देखा है, इसमें क्यू अपॉन टी दे रखा है, लेकिन एन ई अपॉन टी की जरूरत के लिए हमने क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो आई क्यू अपॉन टी से वो सॉल्व नहीं होते। तो वहाँ पर अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता होते हैं चार्ज होता हुआ जब मेरा यूनिट करंट को मेजर कर लेंगे। अब एक करंट है, करंट को मेजर करने के लिए क्या करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट अमीटर को हमेशा क्या करते हैं सीरीज के अंदर। यानी जैसे रेसिस्टेंस है रेसिस्टेंस के साथ हमेशा क्या करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर लगाते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब होता है एंड टू एंड, यानी लगातार आपस में क्या होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं। अमीटर का रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। रेसिस्टेंस का सिंपल मीनिंग होता है विरोध करना। और यहाँ पर अपने किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे हैं तो यानी यहाँ पर किसका विरोध होगा इलेक्ट्रिक करंट का विरोध होगा। अमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है नेग्लिजिबल होता है, नाम के बराबर होता है। क्योंकि अगर इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसमें से करंट भी पास होगा। और अपने को ये इंस्ट्रूमेंट है ही किस लिए करंट को मेजर करने के लिए। इसलिए अगर किसी से करंट भी नहीं पास होगा तो करंट को मेजर कैसे करेगा। तो किसी कारण से इसका रेसिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा कम होता है ताकि इसके अंदर करंट क्या होगा आराम से पास हो जाए। स्टूडेंट्स ये तो आपको पता लग गया कि किस तरह से इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है। लेकिन अगर अपने को मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ही क्यों होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि अपने घरों में जब अपनी वोल्टेज आती है तो कितनी होती है 220 वोल्ट होता है। 220 वोल्ट अपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट था कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस था कि देखो अगर ये सिंपल ट्यूबलाइट था देखोगे ट्यूबलाइट का लिखा होगा 40 वोल्ट 220 वोल्ट। अगर अपना एसी देखते हैं अगर आपका एसी 150 टन का है सॉरी 1.5 टन का है तो उसके लिखा होता है 1500 वोल्ट और 220 वोल्ट। वोल्ट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अभी अपने ने कल वाली वीडियो के कल ही पढ़ा था ये टॉपिक। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जो अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 10 यूनिट वोल्टेज चार्ज लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको अपने क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल मीनिंग होता है वोल्टेज। वोल्टेज आप जानते हो जैसे आपका ए सी आपके घर में बंद सभी लग रहता है तो अपने घर में क्या करते हैं अपने ए सी की वोल्टेज को ऑफ करने के लिए उसके अंदर अपने क्या करते हैं नॉर्मल ऐसे ए सी भी लगा देते हैं। ए सी के साथ क्या लगाया जाता है स्टेपलाइजर लगाया जाता है। स्टेपलाइजर के अंदर जो चलता है 180 190 इस तरह चलती रहती है। क्योंकि वोल्टेज क्या होती है कि आज तक बड़ी फ्लक्चुएट करने के मौसम में क्या होता है बहुत ज़्यादा ए सी होने के कारण से ए सी कूलर चलने के कारण से क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे घर में 220 वोल्ट क्या रहता है मेंटेन रहता ही है। तो ए सी का काम क्या होता है कि वोल्टेज को अप करना, वोल्टेज को क्या करता रहता है अप करता रहता है। पुराने टाइम में आजकल तो जो भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे अगर मान लो अपना एलईडी वगैरह एलईडी टीवी होता है फ्रिज है कूलर है इन सब के अंदर क्या होते हैं इनबिल्ट स्टेपलाइजर आते हैं।
लेकिन अपने पेरेंट्स से पूछना कि पुराने टाइम के अंदर बड़े बड़े बॉक्सेस टाइप के स्टेपलाइजर होते थे, स्टेपलाइजर को क्या करते थे कि वो अपने फ्रिज के ऊपर, कूलर के ऊपर, टीवी के साथ यहाँ तक कि अटैच करते थे। टीवी जबकि सबसे कम वोल्टेज का आता है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते थे उसके साथ भी क्या करते थे, इसको अटैच करके रखते थे, क्योंकि इसका रीज़न ये था ताकि वो क्या कर सके कि वोल्टेज आएगी, वोल्टेज तो कम ही आती है, वोल्टेज को क्या कर सके अब कर सके और उसके नाम से वो इंस्ट्रूमेंट आराम से काम कर सके। अपना फ्रिज के ऊपर देखना, आपके फ्रिज के ऊपर मतलब अगर नया फ्रिज है तो उसके ऊपर लिखा होगा 170 और उसके बाद 250 वोल्ट, इस तरह से लिखा होगा। इसका मतलब यह है आपका फ्रिज अगर वोल्टेज है 170 तक होती है तो भी काम करता है, और अगर वोल्टेज कई बार जैसे आपको हो जाती है 250 वोल्ट हो जाता है तब भी क्या करता है कि आपका फ्रिज अब अपने आप ही काम करता है। यानी अपने जो आजकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं कि इनबिल्ट क्या होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं, जो क्या करते हैं वोल्टेज को आप करते हैं। तो जो करंट है, करंट के फ्लो के लिए ये जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। जैसे अगर अपने देखते हैं कि अगर आपके पास गर्म पानी है और ठंडा पानी है तो एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक का टेम्परेचर कम है, तो अपने अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं गर्म और ठंडे को, तो क्या होता है कि हमेशा कोई भी चीज़ है वो गर्म से किसकी तरफ चलती है, ठंडे की तरफ चलती है। जब अपने दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है उसके बाद कुछ मर्जी हो जाए उसके बाद क्या होगा कि वो आगे काम नहीं करेगा, यानी फ्लो है इलेक्ट्रोस्टर का हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टर का फ्लो क्या हो जाएगा वो बंद हो जाएगा। इसी कारण से क्या होता है कि फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होना जरूरी है, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है तभी क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रोड्यूस हो सकता है। अब है हाउ टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी अपने इलेक्ट्रिक करंट को लगातार कैसे फ्लो करवा सकते हैं, हाउ टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाउ टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी अपने इलेक्ट्रिक करंट को कैसे फ्लो करवा सकते हैं लगातार। तो इसके लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेनेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए अपने क्या करते हैं, या तो सेल यूज करते हैं सर्विंग इक्विपमेंट्स है, या अपने बैटरी यूज करते हैं। जो अपने घरों के अंदर अपने सेल यूज करते हैं, जो अपने इसके अंदर वॉच के अंदर, वॉच के अंदर क्लॉक के अंदर डालते हो, वॉल क्लॉक के अंदर डालते हो, इसके अलावा अपने इसके अंदर डालते हैं, अपने रिमोट्स के अंदर डालते हैं, तो इस पर अपने क्या बोलते हैं सेल। सेल के अंदर आपने कभी लोड किया होगा, नीचे अगर जिंक होता है वहाँ पर लिखा होता है नेगेटिव, और ऊपर कैप वाला पार्ट होता है वहाँ पर लिखा होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है 1.5 वोल्ट का क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों मेंटेन रहता है, क्योंकि सेल के अंदर क्या होते हैं केमिकल्स होते हैं, तो सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, इन्हीं केमिकल्स के कारण से क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मेंटेन रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है केमिकल्स के कारण से, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का अलग रहता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में, तब तक तो क्या होता रहता है करंट फ्लो करता रहता है। और जैसे ही सारे के सारे केमिकल्स यूज हो जाते हैं सेल के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का इक्वल हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि करंट फ्लो करना बंद कर जाता है, अपने सेल खराब हो जाते हैं, और उसको अपने को क्या करना पड़ता है नए सेल से रिप्लेस करना पड़ता है। आजकल चार्जेबल सेल्स भी आ गए हैं, चार्जेबल सेल्स आ गए हैं, उसको अपने क्या करते हैं चार्ज कर देते हैं, अपने उसको यूज़ करते हैं 2-4-5 दिन जितने दिन यूज होता है उसका क्या करते हैं चार्जिंग है, जिससे अपने मोबाइल की करते हो वैसे सेम चार्जिंग करते हैं, क्या करते हैं सेल को चार्ज भी कर लेते हैं। बैटरी देखी होगी मोबाइल अगर जो 10-10 फिर देखी होगी क्लास में पड़ेगा छोटी क्लास में एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, तो एक ब्लू से कलर की ब्लू वाइट ब्लैक सा कलर आता है स्काई ब्लू सा कलर, तो बैटरी आती है, तो बैटरी के ऊपर क्या लिखा होता है 9 वोल्ट, किसी बैटरी के ऊपर 12 वोल्ट लिखा होता है, वो क्या होते हैं बैटरी होती है, उनके अंदर भी क्या होते हैं केमिकल्स होते हैं, उन्हीं केमिकल्स के कारण से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है मेंटेन रहता है, और जिसके कारण से अपने को लगातार फ्लो करंट होता रहता है। लेकिन जब केमिकल्स यूज हो जाएंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में सेम हो जाएगा, तब करंट होना क्या हो जाएगा अपने आप ही बंद हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ
एलिमेंट्स अपने कभी भी करंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं यूज करते हैं, बल्कि अपने क्या लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। इसका रीजन क्या है तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, इनकी डिस्कवरी तो अभी बहुत बाद में हुई है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी है ये तो बहुत ज़्यादा बाद में हुई है, इनकी डिस्कवरी तो मतलब 1911 इयर्स के अंदर हुई है, जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जब आप रेल में यहाँ पर आए थे 1857 के अंदर तो मतलब फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उससे भी पहले क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अपने मतलब गांधी ने स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था जिसके जरिए कहा गया था कि अपने देश का कपड़ा चुनना मतलब यूज करना चाहिए, क्योंकि जो फॉरन से जो ब्रिटिश से जो कपड़ा आता था वो कैसा होता था हैंडमेड नहीं होता था, बल्कि कैसा होता था मशीनों से बना होता था। मशीन्स किससे चलती हैं हमेशा फैक्ट्रीज की मशीनें और इलेक्ट्रिसिटी चलती हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी तो बहुत ज़्यादा पहले हो चुकी थी। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं वही फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, उस टाइम सिर्फ ये पता था एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर आपको मैं कहूँ प्लस फाइव और माइनस फाइव तो आप कौन सी वैल्यू बड़ी बताओगे, प्लस फाइव ही बताओगे, यानी पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है हमेशा बड़ी होती है। इस कारण से क्या होता है कि जो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी बड़ी होती है तो पुराने टाइम में यही माना जाता था करंट क्या होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की वैल्यू करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी हमारी, क्यों, क्योंकि आज के टाइम में बिना इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं सोच सकते, सोच सकते हो क्या, कोई भी अप्लाइंस चलेगा कितनी ज़्यादा गर्मी है, अगर आपका ए सी कूलर ना चले पंखे ना चले कैसे रहोगे, फ्रिज ना चले तो कैसे रहोगे, लाइटिंग ना हो लाइट ना चले कितना मुश्किल है सारा काम करना हो, सबसे बड़ी बात जो आपका फेवरेट मोबाइल है वो भी चार्ज नहीं होगा। इस कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण से क्या होता है कि पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना सर्वाइव कर सके, तो इसलिए जो आप इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी पुराने टाइम में ये पता था पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, आज भी उन साइंटिस्ट के ऑनर के अंदर आज भी क्या कह जाता है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव ही देते हैं कि करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, यानी जब अपने सर्किट बनाते हैं तो सर्किट के अंदर अपने करंट की डायरेक्शन क्या शो करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ शो करते हैं, जबकि वास्तव में करंट की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ओके स्टूडेंट्स अब है इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है सर्किट तुम्हारे पास एक वायर है ठीक है, स्विच है, बल्ब है, सेल या बैटरी है, कुछ भी है, सब कुछ है लेकिन सब अलग अलग पड़े हैं, तब उसको अपनी सर्किट बोलेंगे नहीं, तो क्या होगा तुमने एक वायर ला कर रख दी, स्विच ला कर रख दिया, बल्ब ला कर रख दिया, सेल ला कर रख दिया, ब्लूटूथ रख दिए, तो क्या करंट पास होगा बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ, लगातार कंडक्टिंग पाथ जिसके अंदर क्या होता है एक वायर, वायर के साथ स्विच, स्विच के साथ बल्ब, बल्ब के साथ सेल, सेल और बैटरी, यानी कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ जिसके अंदर क्या होता है कि वायर है, वायर के साथ स्विच है, बल्ब है, सेल और बैटरी है, ये जुड़े रहते हैं जिसके कारण से कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ बन जाता है, जिसके कारण से क्या होता है करंट फ्लो होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपने क्या करने हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने से पहले अपने को क्या बताना चाहिए सिंबल्स बताने चाहिए। सिंबल्स का मतलब देखो अगर मालूम है तुम्हारे को कहूँ कि अपने स्कूल का बनाओ इलेक्ट्रिक सर्किट तो आप सारे कमरों के पंखे बनाते रहोगे या आप स्विच बनाते रहोगे, एक स्विच बनाओगे इतने में घंटा लगाओगे, तो अपने क्या होते हैं कभी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को बनाते नहीं हैं, बल्कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को क्या करते हैं अपने सिंबल्स की हेल्प से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अपने सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिंबल होते हैं, सेल, सेल के लिए या फिर सेवन क्लास में पहले बराबर एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन लंबी और पतली होती है और छोटी लाइन कैसे होती है थोड़ी सी छोटी वाली लाइन है थोड़ी सी थिकर होती है थोड़ी सी मोटी होती है, बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। फिर है बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, दो या दो से ज़्यादा सेल तो अपने कंबाइन होते हैं तो क्या होती है बैटरी बनती है, बैटरी के लिए यही दो या तीन सेल दो सेल की बैटरी है,
पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के साथ होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को निकाल लूंगी कि अपने ये नेगेटिव नेगेटिव ग्रोथ है उसको पॉजिटिव ग्रोथ है, इस तरह से नहीं करते अपने क्या करते हैं पॉजिटिव कम्युनिक के साथ क्या करते हैं नेगेटिव कम्युनिक है उसको अटैच करते हैं। वायर के लिए सिंपल वायर है, वायर के लिए अपने क्या यूज करते हैं सिंपल, ठीक है। उसके बाद है अमीटर, अमीटर के लिए आपको मैंने पहले बताया था अमीटर का जॉब होता है करंट को मेजर करना, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, इसके अलावा नाम देखते हैं गैल्वेनोमीटर। इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, वो काम कहाँ पर आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेट के कारण से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको मेजर करने के काम में आता है। ये अपने नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे इसकी बात करेंगे। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर की बात है स्विच, स्विच अगर ऑन पोजीशन में है तो इसको अपने यू शो करते हैं या इसको अपने क्या करते हैं किस तरह से शो करते हैं। स्विच ऑफ पोजीशन में है तब अपने क्या करते हैं या तो इस तरह से सब खाली बैटरी लगा देते हैं पर एक अपने क्या करते हैं इस तरह से शो करते हैं। रेसिस्टेंस इस तरह से सिंपल जितना मर्जी होगा कि रेसिस्टेंस के बाद अपने आगे करते हैं। उसके बाद है ये होता है जीरो स्टेट, जीरो स्टेट इसको बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस, यानी मैं किसी भी चीज़ का रेसिस्टेंस कम या ज़्यादा करना चाहते हैं ये भी आप कौन सा पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो अपने क्या करते हैं जीरो स्टेट यानी क्या करते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस है इसका क्या करते हैं यूज करते हैं। उसके बाद अपना हो गया स्विच, हो गया बल्ब, इस तरह से बल्ब शो करते हैं ये ऑफ पोजीशन में है, अगर इसको ऑन पोजीशन में शो करना हो तो क्या करते हैं इस तरह से ऑन भी कर देते हैं। ये अपने को कुछ सिंबल्स हैं सर्किट डायग्राम बनाने के अपने को क्या करना है इसको याद रखने हैं। और अगर अपने को इलेक्ट्रिक सर्किट भी बनाने हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है अब है सर्किट डायग्राम, क्या मतलब है इसका सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम का मीन्स क्या हो गया अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उनको अगर अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उनको उनकी सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तब उसको अपने क्या बोलते हैं सर्किट डायग्राम का डायग्राम इन विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंट बाय द सिंबल्स आर नोन एज सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम आपको याद करना है जैसे अपने क्या करते हैं रेजिस्टेंस एरिया इसका इसके ऊपर अपने पैडल के अंदर आपको पता है कि पैडल के अंदर क्या जोड़ते हैं वोल्ट मीटर, इसके स्विच के अंदर क्या जोड़ते हैं मीटर जोड़ लेते हैं, इसका कनेक्शन अपने बैटरी या सेल से करते हैं, इसके बाद इसके साथ क्या जुड़ा होता है स्विच जुड़ा होता है, ये क्या हो गया हमारा एक सर्किट डायग्राम हो गया। तो क्या करना है कि डायग्राम है इस तरह से सर्किट डायग्राम है उसको क्या करना है याद रखना। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्ट करते हैं इसको कंटिन्यू बात करते रहेंगे। अब है ओम्स, ओम एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था एक ला दिया था जिसको ओम्स ला बोलते हैं, इसने क्या कहा था कि अगर कंडक्टर वायर है कंडक्टर वायर की सारी फिजिकल कंडीशन कॉन्स्टेंट रहती है, फिजिकल कंडीशन का मतलब उसकी लेंथ उसकी मोटाई यानी क्रॉस सेक्शन एरिया उसका टेम्परेचर ये सब कुछ अपने कॉन्स्टेंट रखे तब क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है करंट के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस चैप्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस करंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ भी कम होती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो करंट भी क्या होता है कम होता है। आपको पता है कि अपने कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का निशान नहीं रखते तो अपने क्या करते हैं प्रोपोर्शन का निशान हटाने के लिए कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पर अपने क्या कॉन्स्टेंट यूज करते हैं आर, आर का मतलब रेसिस्टेंस। अब आर क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करते हैं अपोज का मतलब रोकता है उसको अपने क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट कॉजल रेसिस्टेंस बोलते हैं। एक मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है विरोध करना, यहाँ पर कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण से वो फ्लो इलेक्ट्रॉन को
निकालना क्या होगा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। रेसिस्टेंस के बारे में सबसे पहले ओम ने बताया था, इसलिए रेसिस्टेंस की एस आई यूनिट क्या होती है, ओम। जिसको अपने किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, जिसको अपने बोलते हैं एक्स आई से लिखते हैं, जिसको अपने बोलते हैं ओमेगा। ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस की एस आई यूनिट होगी, रेसिस्टेंस की एस आई यूनिट क्या होगी, ओम होगी। जिसको अपने किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेसिस्टेंस के अंदर पहले आपको बता दिया, रेसिस्टेंस के डेफिनेशन की प्रॉपर्टी कंडक्टर की, जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब उसके अगर वन ओम की डेफिनेशन लिखनी हो, वन ओम कब होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वन वोल्ट, और करंट कितना पास होगा, होगा इसके अंदर से वन एम। यानी जब कोई भी अप्लाइंस है इसके अंदर से वन एम पे का करंट पास होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है, उसके पॉइंट के बीच में वन वोल्ट रहता है, तब उसका रेसिस्टेंस कितना होता है, वन ओम होता है। तो बच्चों ये था ओम्स लॉ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर ओम्स लॉ को प्रूव मतलब वेरीफाई भी करना है, कि वेरीफाई करना है ओम्स लॉ का। देखो बच्चों क्या कहता कि पोटेंशियल डिफरेंस है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है, बढ़ती है। दोनों के बीच का ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो ग्राफ कैसा बन जाता है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो अपने को क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, वोल्टमीटर लगा दिया, क्योंकि वोल्टमीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, ठीक है। मीटर लगा दिया, इसका काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। मीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। अगर करंट और टेंशन डिफरेंस ही अपने को निकालने हैं, अगर अपने इस तरह से सिंपल लगा लेते हैं, तब तो क्या होता है कि इसका रेसिस्टेंस मान लो 5 ओम है, तो 5 ओम ही रहेगा, तो चेंज नहीं हो सकता। तो फिर अपने को पता कैसे लगेगा, वे अपने को तो क्या करना है कि करंट की कई सारी रीडिंग सही है, तो अपने क्या करते हैं कि यहाँ पर कि वीओ स्टेट का यूज करते हैं। वीओ स्टेट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिससे अपने क्या कर सकते हैं, इस रेसिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपने लिखेंगे अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग एक सर्किट बनाते हैं, और जब अपने सर्किट बनाते हैं उसके बाद अपने क्या करते हैं कि वीओ स्टेट की हेल्प से पहले रेसिस्टेंस क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। रेसिस्टेंस क्या कर देते हैं, ज़्यादा। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम। करंट कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम। फिर अपने क्या करेंगे, इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे, फिर अपने वीओ स्टेट की हेल्प से क्या करेंगे, रेसिस्टेंस को थोड़ा सा कम करेंगे। रेजिस्टेंस को थोड़ा सा कम करेंगे, करंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, करंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। फिर अपने फिर इस तरह से करेंगे, रेजिस्टेंस को और कम करेंगे, फिर रेजिस्टेंस को थोड़ा और कम करेंगे, तो करंट थोड़ा और कम ज़्यादा हो जाएगा, करंट थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से अपने क्या करते हैं, 4 और 5 यूनिट्स लेते हैं मतलब अमीटर और वोल्ट मीटर के अंदर, क्योंकि करंट को मेजर करने के लिए अमीटर लगा के, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए अपने क्या लगा के, वोल्ट मीटर लगा के। और ये रेसिस्टेंस है, इसको अपने वीओ स्टेट की हेल्प से क्या कर रहे हैं, कम या ज़्यादा कर रहे हैं। पहले ज़्यादा करते हुए धीरे धीरे क्या करके कम करते रहेंगे रेसिस्टेंस को। जैसे जैसे रेसिस्टेंस कम होगा, करंट भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। और अगर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो इसका मतलब क्या होता है, ओम्स लॉ है, वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट्स ये था ओम्स लॉ। अब इसके फैक्टर्स रहते हैं और मैकेनिकल्स हैं, वो अपने क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।